अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मुझे रोज मैसेज वगैरह आते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, कि ग्रीन ऑफलाइन का रेट बहुत लो हो गया, ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन, इन सब का रेट बहुत लो हो गया। तो लोगों ने काफी क्वांटिटी में ये बर्ड लगाया हुआ, तो वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, इसको किस जगह यूज करें। और आपको मैंने इस बारे में भी बताना था कि आप अपने बर्ड की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। कि एक सादा ग्रीन ऑफ लाइन है, देखने में तो सादा ग्रीन ऑफ लाइन है, लेकिन आप वो बेच कैसे सकते हैं 50,000 का या 60,000 का या 1.5 लाख का या 2 लाख का। इस बारे में मैंने आपको बताना था। अब एक ग्रीन ऑफ लाइन है, सादा, बिल्कुल सादा ग्रीन ऑफ लाइन है, वो मैक्सिमम 5 से 10 हजार का होगा, टॉप क्वालिटी का बर्ड। लेकिन अगर आप उस बर्ड को पेयर सैलो में डाल देंगे, पेयर सैलो के साथ पेयर कर देंगे और उसमें से चिक्स आएंगे ग्रीन ऑफ लाइन, वो कम से कम भी 40 से 50 हजार का बच्चा सेल होगा लाजमी। और इसी तरह आप ये ग्रीन ऑफ लाइन या ब्लू ऑफ लाइन या पार ब्लू ऑफ लाइन आप पेयर सैलो में डालेंगे, उससे जो चिक्स निकलेंगे पार ब्लू ऑफ लाइन या ग्रीन ऑफ लाइन या ब्लू ऑफ लाइन, तो वो बहुत वर्थ रखते हैं। ग्रीन ऑफलाइन आपको मिल जाएगा 50 से 60 का, ब्लू ऑफलाइन मिल जाएगा 60 हजार का, 65 हजार रुपये का, और पार ब्लू ऑफलाइन आपको कम से कम भी 70-80 हजार रुपये का स्प्लिट पेल फैलो मिलेगा। तो अब ये देखें, एक 5-6 हजार वाला बर्ड, 15 हजार वाला बर्ड 70 हजार रुपये आप बेचेंगे। सिर्फ क्या है कि आपने उसके अंदर स्प्लिट अच्छा डाल दिया, आपने उसको पेयर अप अच्छे बर्ड के साथ कर दिया और आपने अच्छे स्प्लिट बना लिए। इसी तरह आप एक्वा और पेल फैलो का स्प्लिट बना लें तो आपको वो भी बहुत अच्छे रेट में सेल होंगे। तो बात यही हो गई कि ग्रीन ऑफलाइन एक 7 हजार वाला बर्ड आपने 50 हजार में सेल कर दिया, तो आपके पास जो भी ऑफलाइन वगैरह है वो आप पेल फैलो में डाल के उससे स्प्लिट लें, बेचें और दूसरों का भी फायदा करें और अपना भी फायदा करें। अगर आप वही स्प्लिट जो आपने बेचने आप वो खुद लगा लेंगे तो उसमें से विजुअल पेल फैलो निकल आएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बर्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर आपने पेल फैलो प्रोड्यूस करवाना है तो मेल फीमेल दोनों में आपका पेल फैलो का ब्लड लाजमी होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपके मेल में पेल फैलो का ब्लड है और फीमेल में पेल फैलो का ब्लड है ही नहीं, बहुत सिंपल है। तो इस तरह कभी भी विजुअल बर्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और अपने एक और बर्ड की वैल्यू बढ़ाने का एक और मैं आपको तरीका बनाता हूँ, ब्लू टू बर्ड्स बनाएं, ब्लू टू बर्ड्स बनाएं। ये एक अलग टॉपिक है कि ब्लू टू बर्ड कैसे बनाना है और उसको आगे किसके साथ लगाना है, तो सारे बच्चे ब्लू टू होंगे, ये वो। ये काफी बड़ी पेयरिंग है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब देखें, एक अल्बाइनो रेड आइज है, ठीक, 12-13 हजार रुपये का सेल हो रहा है, टॉप क्वालिटी का। लेकिन अगर एक अल्बाइनो रेड आई ब्लू टू बर्ड है, वो 1 लाख रुपए का सेल हो रहा है, 1 लाख का। तो इसकी क्या वजह है कि ब्लू टू की डिमांड बहुत है, ब्लू टू बहुत आगे अच्छी वर्किंग में इस्तेमाल हो रहा है। ब्लू टू आपका टाइम बचाता है और अच्छी प्रोडक्शन देता है आपको और सेल मजबूत करता है। तो आप ब्लूटूथ पे वर्किंग करें और ग्रीन अप्लायंस वगैरह को आप पेल फैलो में डालें और स्प्लिट्स लें, उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ब्लूटूथ पे खास तौर पे वर्किंग करें क्योंकि आगे फ्यूचर जो है ब्लूटूथ बर्ड का है, सिंपल बर्ड को कोई नहीं पूछेगा आगे, आगे सारा फ्यूचर जो है ब्लूटूथ बर्ड का है। और अपने शेड में कमर्शियल बर्ड लाजमी रखें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। म्यूटेशन भी साथ साथ रखें, लेकिन वो म्यूटेशन लगाएं जिसका आगे स्कोप है, जिसकी डिमांड है, जैसे कि एक्वा ऑफलाइन पेल फैलो, ये लगाएं, पेल फैलो लगाएं, सिंपल डन फैलो लगाएं। इस तरह की म्यूटेशन में जाएं जो रेड आई है और जो आगे से रेड आई बच्चे प्रोड्यूस करेंगी, पेल फैलो ये वगैरह मैंने आपको बता दिया। अल्बाइनो रेड आई ब्लू टू बनाएं, अल्बाइनो ब्लैक आई ब्लू टू बनाएं, ऐसे कि ब्लू टू फिशरीज बनाएं आप, तो इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट होगा। अपने बर्ड की वैल्यू खुद बनाएं, स्मार्ट वर्क करें, अच्छा काम करें और अपने हॉबी को और बढ़ाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।